हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल साइंस स्किल। इस चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है क्लॉक। अब क्लॉक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल डीपली से। डीपली हम लोग सीखेंगे कि आखिर क्लॉक में चीजें क्या क्या होती है, कैसे क्वेश्चन आती है, उसको हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो पहले आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ घड़ी है, यहाँ पे घड़ी बनाया जिस पे सबका एक नंबरिंग किया हुआ। जैसे क्लॉक लिखी जाती है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और फिर 12 से चीजें रिपीट होती है, यानी कि 12 के बाद 1 आएंगी, 2 आएंगी, 3 आएंगी, 4 आएंगी, फिर से 12 और 12 रेलवे टाइम को छोड़कर। तो इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि 12 और 1 के बीच में टोटल 5 पार्ट डिवाइडेड होते हैं, टोटल 5 भाग होते हैं 12 और 1 के बीच में, 1, 2, 3, 4 एंड 5। यानी कि 4 बार मैंने कट किया, इसका मतलब है कि कितना डब्बा बना, 1, 2, 3, 4, 5 डब्बे बने। यानी कि 12 से 1 के बीच में टोटल कितने डब्बे, 5 डब्बे। अब यहाँ पे एक सेंटर होता है जिसपे अंतरित होती है, जिसपे 3 सुइयां लगी होती है घड़ी का, जिसका नाम है मिनट, घंटे और सेकेंड की सुई। हालांकि सेकेंड को हम लोग क्लॉक में निगलेक्ट करके चलेंगे, ये मान के चलेंगे कि दो ही इम्पोर्टेंट सुइयां हैं, वो सुइयां होती है घंटे और मिनट की, यानी कि सेकेंड की सुइयां यहाँ पे निगलेक्ट करके चली जाती है। तो 12 से 1 के बीच में टोटल कितने पार्ट, 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट। अगर हम लोग फिर से अगर मान लिया जाए कि अगर ये मिनट की सुई है और फिर से अगर एक बार घूम करके 12 पर अगर आती है, तो हम लोग बोलेंगे कि एक चक्कर दूरी तय कर ली और एक चक्कर, यानी कि बोल सकते हैं कि एक पूरा डायल कंप्लीट हुआ। एक पूरा डायल का मतलब कि 12 से अगर दोबारा अगर 12 पर आती है तो एक डायल, और एक डायल में टोटल कितने डब्बे, तो टोटल जब 12 और 1 के बीच में 5 डब्बे, इसके बीच में 5 डब्बे, तो 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60, पूरे 60 तक आ जाएगी। यानी कि एक डायल में टोटल कितने डब्बे होते हैं, 60 डब्बे। अब इसका बहुत इम्पोर्टेंट है कि 60 डब्बे क्या है। तो 60 डब्बे बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर ये 60 डब्बे को घंटे की सुन रहे हैं, चाहे मिनट की रहे, चाहे सेकेंड की रहे, ऐसा तो हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि सेकेंड का निगलेक्ट करके चलना है, तो दो इम्पोर्टेंट सुइयां घंटे और मिनट की। तो अगर 60 डब्बा अगर क्रॉस करता है तो हम लोग बोलेंगे कि एक रिवॉल्यूशन पूरा होगा, यानी कि एक चक्कर पूर्ण होगी। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 डब्बे अगर पूरे 60 डब्बे को अप्रोच करेगी तो कोई भी सुइयां एक चक्कर कहलाएंगी, यानी कि चाहे घंटे की हो चाहे मिनट की हो। ये बात अलग है कि जब घंटे की होगी तो उसको 12 घंटे का टाइम लगेगा और जब मिनट के है तो उसको 60 मिनट का टाइम लगेगा। ये बातें अलग है, लेकिन कोई भी सुइयों को एक चक्कर लगाने में 60 डब्बा को क्रॉस करना पड़ेगा। अब अलग बात है कि उसका वैल्यू कम है, किसी का सेकेंड है, किसी का मिनट है, किसी का घंटा है, तो वो चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग देखें कि एक चक्कर पूर्ण करने में एक चक्कर बोल सकते हैं कि 60 डब्बे को क्रॉस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जब 60 मिनट होगा तो मिनट वाला सुई एक बार पूरा चक्कर काटेगा, यानी कि 60 मिनट में मिनट की सुई एक चक्कर, जब मिनट की सुई कितना एक चक्कर कंप्लीट करेगी, और एक चक्कर कंप्लीट करेगी इसका मतलब हुआ कि 360 डिग्री का कोण बनाएगी। मिनट वाला की सुई आप बोलते हैं 60 मिनट में मिनट की सुई एक चक्कर में 360 डिग्री बनाएगी। हम लोग बोल सकते हैं कि एक मिनट में मिनट की सुई, एक मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री बनाएगी, तो 360 डिग्री अपॉन 60, यानी कि 6 डिग्री। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री होगी। तो आप अगर सपोज दैट यहाँ पे घंटे और मिनट दोनों हैं, यहाँ पे अगर यहाँ पे ये मिनट है, यहाँ पे ये घंटा है, तो अगर ये वाला घंटे की सुई बिल्कुल अभी 12 पर दिख रहा है, जैसे ही एक मिनट क्रॉस होगी तो यहाँ 12 से जब एक मिनट, यानी कि अगर ये वाला मिनट की सुई अभी हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि 12 पे है, अगर 3:01 होगा तो क्या गारंटी नहीं है कि ऐसे होगा। 3:01 का मतलब यहाँ से यहाँ जाएगी सुई, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक मिनट में वो 6 डिग्री आगे घूमेगी, यानी कि पहले बिल्कुल सीधा थी और जितना क्रॉस हुई वो कितना एंगल से हुई। एंगल पर हम लोग बात करने वाले हैं या कर भी रहे हैं कि जब पूरे 12 पर होगी तो 6 डिग्री
डिग्री आगे निकलेगी तो एक मिनट का दूरी तय करेगी। यानी कि हम लोग दूरी और एंगल में रिलेशन बिटवीन फाइंड करने वाले हैं। अगर यही सुई यहाँ न होकर 3:02 पर होती तो हम लोग बोल सकते हैं कि मिनट वाली सुई अब 12 डिग्री आगे निकल रही है। इसका मतलब कि एक डिग्री एक मिनट में 6 डिग्री की कोण बनाती है। कौन सुई? तो मिनट की सुई। यानी कि एक मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो सिंपली है कि 5 मिनट में कितनी बनाएगी? तो 5 मिनट में मिनट की सुई 30 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी कि जब एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रही है तो 5 मिनट में कितने डिग्री? 30 डिग्री। तो यानी कि अगर पूरे तीन बज रहा हुआ फर्स्ट टाइम में और 5 मिनट के बाद आप देखेंगे तो 3:05 हो रहा होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब 3 बज रहा था और फिर दूसरा आदमी बोला कि 3:05 हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अच्छा वो 30 डिग्री का कोण आगे है, 30 डिग्री एंगल से आगे। यानी कि 5 मिनट की दूरी 30 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि 5 मिनट का जैसे ही समय गुजरेगा तो मिनट की सुई 30 डिग्री आगे होगी। इसी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि 60 डिग्री होगी तो 10, 15, 20। वैसे अगर 360 यानी कि यहाँ पे 30, 60, 90, 120 ऐसे करेंगे तो टोटल 360 डिग्री का कोण बना देगा। तो हम लोग यहाँ पे एक कंक्लूजन निकालें कि एक मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब हम लोग चलते हैं घंटे कि घंटे वाले केस में हम लोग कैसे काम करेंगे। सिंपल वे, अगर हम यहाँ बात करने वाले हैं कि 60 मिनट में अगर 12 घंटे में घंटे की सुई 12 घंटे में घंटे की सुई कितनी चक्कर लगाएगी, तो जब घंटे की सुई छोटी वाली है तो अगर मान लेते हैं कहीं पे भी है तो अगर ये 12 घंटा रोटेशन कंप्लीट करता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक रिवॉल्यूशन हुआ, एक चक्कर हुआ। इसका मतलब है कि 12 घंटे में घंटे की सुई एक चक्कर पूरा काट लेगी, और एक चक्कर काट लेगी इसका मतलब है कि 12 घंटे में वो बनाएगी 360 डिग्री की कोण। यानी कि 12 घंटे में घंटे की सुई एक चक्कर लगाएगी और एक चक्कर का मतलब हुआ 360 डिग्री। अच्छा 12 घंटे का मतलब 360 डिग्री, तो हम लोग ये निकाल सकते हैं कि एक घंटे में कितना डिग्री कोण? एक घंटे में घंटे का सुई एक घंटा जैसे होगा तो घंटा का सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगी? तो 360 से 12 से अगर भाग करेंगे तो 12 दिया 30 डिग्री। यानी कि जैसे अभी 3 है और फिर बाद में 4 बजेगा तो एक घंटे का डिस्टेंस तय हुआ, तो एक घंटा में घंटे वाला सुई 30 डिग्री कोण बनाती है। यानी कि एक घंटे में कितनी? 30 डिग्री। एक घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री बनाती है, और हम लोग जानते हैं कि एक घंटा जो होता है एक घंटा वो 60 मिनट के बराबर होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री की कोण बना रही है, या फिर बोल सकते हैं कि 60 मिनट में घंटे की सुई 30 डिग्री बना रही है। दोनों बात सेम है क्योंकि एक घंटा यहाँ पे लिखा हुआ है 60 मिनट। अच्छा जब 60 मिनट में घंटे की सुई 30 डिग्री, हम यहाँ बोल सकते हैं कि एक मिनट में घंटे की सुई कितनी? एक मिनट में घंटे की सुई कितनी? तो 30/60 यानी कट के 1/2 आ रहा है। यानी कि यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि 60 मिनट में 30 डिग्री, तो यहाँ से निकाल सकते हैं कि एक मिनट में कितनी? एक मिनट में 60 से भाग करेंगे तो 1/2 डिग्री कम आएगी। यानी सिंपल सवाल की एक बात कि एक मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री कोण बनाती है? एक मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है। कौन? मिनट की सुई। एक मिनट में घंटे की सुई कितना डिग्री कोण बनाती है? एक मिनट में घंटे की सुई 1/2 डिग्री बनाती है। तीसरी बात है एक घंटे में घंटे की सुई कितना डिग्री? तो 30 ही डिग्री। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक घंटे में
एक घंटा के निकाल चुके हैं, एक घंटे में कितने डिग्री, 30 डिग्री कोण आती है। तो यहाँ पे आप इसका हम लोग यूज करेंगे, एक मिनट की सुई 6 डिग्री, एक मिनट में घंटे की सुई 0.5 डिग्री और एक घंटे में घंटे की सुई। ये चीज आप एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिए कि एक मिनट में ये मिनट के द्वारा, एक मिनट में, क्योंकि देखिए अगर हम बोले कि एक मिनट में एक आदमी पैदल चलता है तो उसका टाइम टेकन और एक घंटे में, सॉरी एक मिनट में कोई एरोप्लेन से जा रहा है या फिर बाइक से जा रहा है तो दोनों में अंतर पड़ेगा। तो देखिए हम किस्त चल रहा है, ये मिनट की सुई है तो मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है और ये स्लो है, घंटा सबसे धीरे धीरे चलती है। आपको पता होना चाहिए कि मिनट की सुई अगर एक बार पूरी चक्कर काटती है तो घंटे सिर्फ 3 से 4 आती है। इसका मतलब है कि जब एक चक्कर मिनट घूमता है तो घंटे की सुई कितना डिग्री हिलती है, मात्र 1 घंटा। इसका मतलब है कि मिनट के अपेक्षा सबसे स्लो है घंटे का सुई। तो इसी वजह से हम ये बोल रहे हैं कि आप ध्यान से देखें कि कौन से सुई के बारे में बोला जा रहा है। अब आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है कि जब मिनट की सुई 1 घंटा 10 मिनट की दूरी तय करता है तो कितने अंश की दूरी तय करेगा। जब मिनट की सुई 1 घंटा 10 मिनट की दूरी तय करता है तो कितने अंश की दूरी तय करेगा। देखिए मिनट का सुई बोल रहा है, मिनट का सुई एक, जब मिनट की सुई कितना दूरी बोल रहा है, दूरी बोल रहा है 1 घंटा 10 मिनट। हम लोग बोल सकते हैं कि 1 घंटा किसके मिनट के बराबर होता है, तो 60 मिनट और प्लस 10 मिनट, टोटल कितना मिनट, टोटल 70 मिनट। यानी कि ये मिनट की सुई टोटल कितना दूरी तय कर रहा है, 70 मिनट। तो बोल रहा है कि उसका अंश की दूरी क्या होगा, अंश का मतलब है कि कितना कोण से आगे बढ़ेगा। तो हम लोग जानते हैं चूंकि एक मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री, तो एक मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री, तो इसलिए यहाँ पे कितना मिनट की दूरी है, 70 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 420 डिग्री से कोण आगे बढ़ेगा। तो ये सब चीजें डिस्कस करने के बाद अब हम लोग आते हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है वो हम समझा देते हैं, देन हम आपके पास काम करेंगे। आपको यहाँ पे हम बोले कि टोटल 3 सुइयां होती है, मिनट, घंटे और सेकेंड, लेकिन सेकेंड को हम बोले नेग्लेक्ट करके चलिए, मेन कौन से सुइयां हुई, तो घंटे और मिनट की। घंटे और मिनट वाले केस में आपको 3 केस हम बांटने वाले हैं। पहला कि एक जैसे घंटे है और एक मिनट है, तो आपको तो पता है कि घंटा बिल्कुल स्लो है और मिनट बिल्कुल फास्ट है, यानी कि जब मिनट एक पूरा चक्र काटेगा तो घंटे की सुइयां मात्र 1 घंटे आगे हिलेगी, यानी कि 3 से 4 आएगी। सपोज दैट पूरे पूरे 3 बज रहा है तो, और ये वाला मिनट की सुई एक बार अगर पूरे चक्र काट लिया तो ये सिर्फ 1 घंटे आगे बढ़ा, फिर दोबारा से अगर एक चक्र काटेगा तो फिर 1 घंटे आगे बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से कहीं ना कहीं जो स्लो सुइयां चल रही है घंटे वाली और मिनट वाली उसको क्रॉस करेगी। अब क्रॉस करेगी तो हम लोग इसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे और तीनों बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये कि घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे से कब मिलेगी, और दूसरी कि कब एक दूसरे से अपोजिट होगी, अपोजिट, और दूसरी कि कब समकोण बनाएगी। यानी कि तीनों चीजें डिस्कस करेंगे, पहला बात कब एक दूसरे पे मिलेंगी, दूसरा एक दूसरे से विपरीत होगी, तीसरा एक दूसरे से समकोण बनाएगी। तो तीनों चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं। नंबर 1, पहला है पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब दोनों सुइयां का मतलब यह हुआ कि घंटा एंड मिनट, दोनों सुइयां का मतलब यह हुआ कि घंटा और मिनट की सुइयां, जब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेगी या संपाती होगी या ओवरलैप, ये तीनों चीजें एक ही है, मिलेगी, संपाती होगी, ओवरलैप होगी, तीनों चीजें एक ही है। यानी कि कब मिलेगी, संपाती होगी और ओवरलैप होगी। तो पहला केस ये बनता है, यहां पे देखेंगे हम लोग कि अगर जब एक दूसरे पे मिलेगी, सपोज दैट ये मेरा क्लॉक है
अगर यहाँ पे एक सुई है तो ये मिनट की है और दूसरी घंटे की है, तो जब अगर मिलेंगी तो दोनों के बीच में एंगल बिल्कुल जीरो बनेगी, तो हम ये बोल सकते हैं कि थीटा कितना, जीरो डिग्री। और समय कितना हो रहा होगा, तो समय बिल्कुल जीरो मिनट का अंतर हो रहा होगा, यानी ये हुआ कि टाइम हुआ जीरो मिनट और थीटा जीरो, समय जीरो मिनट। तीसरा बात, इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों मिलेंगे तो थीटा जीरो होगा और समय भी जीरो मिनट का होगा। तीसरा बात ये कि यदि एक घंटा में एक बार मिलेगी, लेकिन दोस्त 12 घंटा में 12 बार नहीं 11 बार मिलती है, एक अपवाद है, वो अपवाद कहाँ है, तो 12 से 1 के बीच। नंबर 4, 24 घंटे में कितने बार मिलेगी, 24 घंटे में टोटल 22 बार मिलेगी। तो जब दोनों सुइयां यानी कि कौन कौन सी, हावर एंड मिनट, आवर एंड मिनट यानी कि घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे से मिलेगी या फिर बोल सकते हैं संपाती होगी, ओवरलैप होगी, तो हम लोग इतना कंडीशन देख सकते हैं कि थीटा कितना, जीरो, दूसरा समय कितना, तो जीरो मिनट, एक घंटा में कितना बार मिलेगी, एक बार 12 घंटे में 11 बार और दो घंटे में 22 बार मिलेगी। अब ये एक अपवाद है, 12 से 1 बजे के बीच में नहीं मिलती है, 12 घंटे में 11 बार मिलती है, और इसका मतलब ये हुआ कि जब 3 से अगर 4 बज रहा होगा तो एक दूसरे पर मिल जाएगी, 3 और 4 बजे के बीच में भी मिलेगी, 4 से 5 बजे के बीच में भी मिलेगी, 6 से 7 बजे के बीच में मिलेगी, लेकिन ये चीजें नहीं मिलेगी। दूसरा कि जब दोनों सुइयां विपरीत हो, तो विपरीत वाले केस में इसका मतलब है कि अगर मिनट की सुई घंटे की सुई ये है, तो मिनट की सुई हमेशा इसके अपोजिट होना चाहिए, यानी कि ये हुआ जब मिनट होगा तो दोनों के बीच में थीटा कितनी डिग्री, 180 डिग्री, यानी कि क्यों, क्योंकि अपोजिट है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अपोजिट यानी कि विपरीत होगी। तो पहला केस थीटा 180 डिग्री का होगा, समय अगर बात करें तो समय कितना रहेगा, तो समय बिल्कुल आधे घंटे का होगा, क्योंकि अगर कभी भी विपरीत होगा तो अगर आधे घंटे इधर आधे घंटे इधर यानी कि पूरा एक रोटेशन एक घंटे का होता है, तो टाइम कितना लगेगा, समय लगेगा आधे घंटे, इसका मतलब 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट इसके बीच में डिफरेंस हो जाएगा, तो बोल सकते हैं कि 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा। फिर अगर बात करते हैं तो एक घंटे में कितनी बार, तो एक घंटे में एक बार विपरीत होती है, एक घंटे में एक बार विपरीत होती है, एक घंटे में एक बार विपरीत। दूसरा बात कि 12 घंटे में कितनी बार विपरीत, 12 घंटे में यहाँ दो घंटे दिखाई दे रहे हैं, 24 घंटा, 12 घंटे में 11 बार विपरीत होगी, और यही चीजें 24 घंटे में कितनी बार, 24 घंटे में भी 22 बार विपरीत होगी, विपरीत। अब इसमें भी तो कुछ अपवाद है कि 12 से 22 के बीच में नहीं होती है, सॉरी 12 कब से, इसमें तो 12 से 1 बजे के बीच में नहीं था, अब इसमें कितना के कितना के बीच में नहीं है, तो इसमें होती है वो होती है 6 से 7 बजे के बीच नहीं विपरीत होती है, नहीं होती है विपरीत, नहीं होती है 6 से 7 बजे के बीच। इसका कारण है, थोड़ा सा वेट कीजिए, हम आपको सबको डिस्कस करते हैं। तीसरा बात ये डिस्कस करने वाले हैं, तीसरा बात ये कि जब दोनों सुइयां समकोण बनाए, जब समकोण बनाए इसका मतलब ये हुआ कि अगर घड़ी है तो अगर यहाँ पे घंटे की सुई है, यहाँ पे घंटे की सुई है, तो यहाँ पे बनाना होगा किसको, मिनट को, तभी तो दोनों 90 डिग्री होगी। तो जब दोनों सुइयां समकोण बनाए, समकोण ऐसे भी बनाएगी तो थीटा कितने डिग्री, 90 डिग्री, और समय कितना का होगा, तो आप हमेशा देख पा रहे हैं कि जब 90 डिग्री तभी बनेगा जब 15 मिनट होगा, जैसे कुछ बजकर कुछ मिनट, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री बनेगा तभी तो बोल सकते हैं, और 90 डिग्री कितना मिनट का अंतर होता है, तो यहाँ होता है 12, यहाँ होता है 3, तो टोटल 15 मिनट का अंतर होता है।
तो सेम थिंग समय जो होगा वो 15 मिनट होगा। उसके बाद अगर बात करते हैं कि एक घंटे में कितनी बार मिलेगी, तो एक घंटे में दो बार संभोग बनाएगी। क्यों? क्योंकि एक घंटे में दो बार का मतलब ये हुआ कि अगर 1 बजे से 2 बजे के बीच में बनाना है तो एक एक के पीछे भी बनेगा और एक एक से आगे भी बनेगा। जैसे कि अगर एक है और यहाँ से घड़ी चलना प्रारंभ कर दिया है, तो अगर मान लेते हैं कि अगर एक एक से पहले भी कुछ ना कुछ एंगल पे होगा और जब एक को क्रॉस करेगा तो एक और दो के बीच में ही होगा, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब 2 से 3 बजे के बीच या 4 से 5 बजे के बीच हमेशा 2 संभोग बनाएगी, यानी कि 1 घंटे में 2 बार संभोग। कारण क्या है कि एक उससे पीछे भी 90 डिग्री बन सकता है और एक इससे आगे भी 90 डिग्री बन सकता है। तो एक घंटा में टोटल 2 बार संभोग बनाती है। और हम लोग बात करें कि 12 घंटे में कितनी बार, तो 12 घंटे में दोस्त मात्र 22 बार बनाती है, 22 बार संपूर्ण बनाती है। एक बार कहाँ लाइफ होता है, तो एक बार होता है सॉरी दो बार, यानी कि पूरे 12 घंटे में 2 बार अपवाद है। एक होता है 3 से 4 और एक होता है 9 से 10 बजे के बीच। सबका हम कारण स्पष्ट करेंगे कि क्यों ऐसा होता है। 12 घंटे में 22 बार बनाते हैं और 2 बार कहाँ कहाँ नहीं बनाते हैं, 3 से 4 के बीच और 9 से 10 के बीच। यानी कि 3 से 4 के बीच एक 90, 3 से 4 के बीच तो 2 90 होना चाहिए, लेकिन एक उसके पीछे नहीं बनाती है और 9 से 10 उसके आगे नहीं बनाती है, कारण बताएंगे। उसी तरह से अगर बात करें तो 24 घंटे में कितनी बार बनाएंगे, तो 12 घंटे में जब 22 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार, तो 22 का 44 बार। तो अभी आप हम लोग ये देख रहे थे कि तीन केस जब दोनों सुइयां मिलेगी तो कौन कितना क्या क्या बात होगा, जब दोनों सुइयां विपरीत होगी तब कैसा कैसा केस बनेगा, और जब दोनों सुइयां संपूर्ण होगा तो कैसे कैसे होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये बताएंगे कि आखिर ये चीजें आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, 12 से 1 बजे के बीच में क्यों नहीं हो पा रहा है, 6 से 7 के बीच में यहाँ पे 2 अपवाद है, एक क्यों नहीं इंक्लूड हो रही है। तो थैंक यू वॉच फॉर माई वीडियो, थैंक्स। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।